तो दोस्तों फाइनली Xiaomi ने आज इंडियन मार्केट में अपने न्यू स्मार्टफोन Redmi Note 11 SE को लॉन्च कर दिया, जिसको कि हम लोग सो कॉल्ड न्यू स्मार्टफोन बोलेंगे। इस स्मार्टफोन के पीछे की सच्चाई क्या है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा और मैं आपको ये स्मार्टफोन लेने से क्लियरली क्यों मना कर रहा हूं बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। हम लोग इस वीडियो के लास्ट में मेंटोस खाएंगे और पता करेंगे कि आखिरकार इस स्मार्टफोन के पीछे की सच्चाई क्या है। आपको मैं बेस्ट डील पकड़ाने वाला हूं, तो अगर आपकी 12-13 हज़ार रुपये मेहनत की कमाई के हैं, कीमती पैसे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को इन तक देखते रहिए, नहीं तो हो सकता है कि आप अपने 12-13 हज़ार रुपए गलत स्मार्टफोन को परचेज करने में वेस्ट कर दीजिएगा। और मैं आपको बताऊंगा कि आपको Redmi Note 11 SE की जगह पे कौन सा दूसरा स्मार्टफोन लेना चाहिए जो बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है इससे। तो बस वीडियो में तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे Redmi Note 11 SE के जो है स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पे जो आपको 6.43 इंच का एक फुल HD प्लस वाला AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहां पे आपको टिपिकल 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट लगा दिया गया है, कोई भी हाईर रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता है। यहां पे सामने की तरफ जो है पंचोली स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहां पे आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा कर दिया गया है। जी हां, बैक की तरफ जो है क्वाड कैमरा देखने को मिलते हैं, जहां पे जो प्राइमरी कैमरा वो यूज करा गया है 64 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आएगा, थर्ड एंड फोर्थ कैमरा जो है 2-2 मेगापिक्सल का सिर्फ कैमरा नंबर बढ़ाने के लिए चिप दिया गया है। 5000 mAh की बैटरी है जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है, 33 वाट का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर यूज करा गया है MediaTek की तरफ से हेलियो G95 चिपसेट, जहां पे LPDDR4X वाला रैम टाइप एंड UFS 2.2 वाला स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहां पे जो G95 चिपसेट है ये एक 4G चिपसेट है, तो ये स्मार्टफोन भी जो है 4G बन जाता है, 5G स्मार्टफोन नहीं है ये। एंड यहाँ पे जो आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाते हैं, 3.5 mm जैक भी देखने को मिल जाते हैं, डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एंड इसमें आपको डुअल स्पीकर भी देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे ना मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करा, तो यहाँ पे जो Xiaomi इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे क्लियरली मेंशन करा गया कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा MIUI 12.5 जो कि एंड्रॉयड 11 पे रन करेगा। अब मुझे लगता है कि ये थोड़ी बहुत ग्लिच हो गई है, उन्होंने कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में थोड़ा यहाँ पे मिस कर दिया है, क्योंकि आज डेट में अगर आप एंड्रॉइड 11 प्रोवाइड कर रहे हो तो भाई मतलब बिल्कुल वही आप काम कर रहे हो, और मैं प्रे करता हूं कि ऐसा ना हो Xiaomi के वेबसाइट वालों से जिसने मैनेज करा है लिखने में उसकी ही गलती हो, कॉपी पेस्ट करने में थोड़ा यहां पे गलती कर दी होगी। अब दोस्तों यहां पे हम बात करें इसके थिकनेस की, तो आपको देखने को मिलती है 8.2 mm एंड इसका जो वेट है वो 178.8 ग्राम का है। ये रही पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन की कहानी Redmi Note 11 SE की, या फिर यूं कहिए Redmi Note 10 SE की। मतलब यहाँ पे कुछ भी चेंज ही नहीं करा गया, बिल्कुल जो भी स्पेसिफिकेशन जो है Redmi Note 10 SE में देखने को मिलते हैं उसको कॉपी एंड पेस्ट कर दिया गया है यहाँ पे Redmi Note 11 SE में, कोई भी चेंजेस ही नहीं करा गया है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो MIUI 12.5 एंड Android 11 के साथ में देखने को मिलता है वो है जो Redmi Note 10 SE से उठाकर मुझे लगता है कि पेस्ट कर दिया है, इसके कारण यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई है उनको कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में। यहाँ पे हमें मोस्ट प्रायरली मांगा चले कि MIUI 13 एंड Android 12 देखने को मिलना चाहिए, और बिल्कुल ही मिलना चाहिए, उससे नीचे तो भाई बिल्कुल मिलना ही नहीं चाहिए। अब मैं आपसे बात कर तो हम इसके प्राइसिंग के बारे में और बैंक ऑफर्स के बारे में। तो दोस्तों देखिए सिंगल वेरिएंट में लॉन्च करा गया है 6+64 जिसकी जो प्राइसिंग है वो रखी गई है यहां पे 13,499 रुपए। अब ऑफर लगाते हैं यहां पे कार्ड अप्लाई करते हैं ICICI का, तो 1000 का ऑफ देखने को मिलेगा, जिसके बाद इसकी प्राइसिंग जो बन जाती है 12,499 रुपए। मतलब एक्चुअल प्राइसिंग 13,000 रुपए और इफेक्टिव प्राइसिंग जो है 12,500 रुपए निकल कर आती है। अब बताती है कि क्या 12,500 रुपए में भी स्मार्टफोन लेना सही रहेगा। देखो अगर आप Redmi Note 10 SE लेने के बारे में सोच रहे थे देन आप इस स्मार्टफोन को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको क्या कहता हूं कि Xiaomi का ही खुद का ही स्मार्टफोन अवेलेबल है इंडिया मार्केट में, जैसा कि आपको पता है कि Poco जो है सब ब्रांड है और Xiaomi का ही, और दोनों में मतलब MIUI ही चलते हैं और अच्छा खासा स्मार्टफोन चलता है दोनों। अब देखिए बात ऐसी है ना कि इसके जगह पे हमें एक स्मार्टफोन देखने को मिलता है Poco M4 Pro 4G जो कि बिल्कुल डिट्टो सेम स्पेसिफिकेशन है, बट थोड़े बहुत चेंजेस है। और क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले इसकी मैं प्राइसिंग के बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है 6GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी जो प्राइसिंग है वो मैंने अभी जस्ट फ्लिपकार्ट पे चेक करा 11,999 रुपये, मतलब 12,000 रुपये विदाउट अप्लाइंग एनी ऑफर, बिना कोई ऑफर के 12,000 रुपये जो कि बहुत बात है। अब देखिए यहाँ पे Poco में आपको देखने को मिलता है Helio G96 चिपसेट, जो कि यहाँ पे G95 का ही सक्सेसर है, तो G96 एक अच्छा चिपसेट है G95 के मुकाबले, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, बट हाँ G96 जो है बेटर चिपसेट है। अब जो यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज वो हमें देखने को मिलता है डिस्प्ले में, यहाँ पे आपको Note 11 SE में देखने को मिलता है 60 हर्ट्ज का AMOLED पैनल, वहीं पे Poco में आपको देखने को मिलता है एक 90 हर्ट्ज का AMOLED पैनल। जी हाँ बिल्कुल, आपको देखने को मिलता है Redmi वाले में 13 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, बट Poco में आपको देखने को मिलता है
16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, बाकी ऑलमोस्ट जितने भी स्पेसिफिकेशन है वो सारे के सारे सेम हैं। तो अब आप मुझे क्लियरली बताओ कि हम जो है पोको M4 Pro 4G ऐसा स्मार्टफोन छोड़कर हम क्यों ले भैया Redmi Note 11 SE, कोई सेंस बनता है? देखो यहाँ पे एक समय के लिए ना दूसरी कंपनी दे रही है, दूसरी कंपनी भी नहीं है ना भाई, दोनों में MIUI रन करेंगे ना, प्रॉब्लम आएगी तो दोनों में आएगी, तो फिर क्या सेंस बनता है Redmi Note 11 SE को लेने का? मतलब ये तो पहले से ही कोई नया स्मार्टफोन है नहीं, एक साल पुराना स्मार्टफोन को जो है लॉन्च कर दिया फिर से कंपनी ने, कोई सेंस बनता है भाई स्मार्टफोन का? कोई सेंस नहीं बनता, मतलब जबरदस्ती का ना चेपा गया बस इस स्मार्टफोन को। तो मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि जितना दूर हो सकता है उतना दूर रहना Redmi Note 11 SE से। पोको M4 Pro 4G ले लो, बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, द बेस्ट स्मार्टफोन है। आज मैं आपको बहुत स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ पोको का स्मार्टफोन M4 Pro 4G, बहुत ही तगड़ा स्मार्टफोन है। तो बस यही जानकारी थी जो आपको देना चाहता था Redmi Note 11 SE से रिगार्डिंग, कि आपको ये स्मार्टफोन क्यों नहीं लेना चाहिए। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही एक और नए वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय।